हरियाणा में रविवार को हुआ नायब तहसीलदार का पेपर करनाल के एक स्कूल SS इंटरनेशनल से लीक हो गया था। इसमें अब तक 9 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। इन 9 लोगों में से 5 लोगों को रेवाड़ी जिले से पकड़ा गया, 3 को गुरुग्राम से और 1 को करनाल से। इस पूरे गिरोह के पीछे पंकज नाम का युवक था, जिसकी गिरफ्तारी गुरुग्राम से हुई है। आपको बता दें कि इसमें साइबर सेल और रेवाड़ी पुलिस की अहम भूमिका रही है, जिन्होंने मामले की सूचना मिलते ही तुरंत टीम का गठन करते हुए कार्रवाई की और आंसर की को परीक्षार्थियों तक पहुंचने से पहले ही रोक लिया। आरोपियों से पूछताछ जारी है कि वाई चैट इंडिया की कंपनी में और कौन कौन शामिल है। वहीं पुलिस का कहना है कि पंकज ने पेपर सॉल्व कर रखा था और अखिल की जिम्मेदारी थी कि क्लर्कों के साथ मिलकर आंसर की विद्यार्थियों तक पहुँचाई जाए। फिलहाल सभी को गिरफ्तार कर पूछताछ के लिए रिमांड पर रखा गया है।